हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन में मैंने ये बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो टेंजेंट क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करेगा। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक। उसके लिए क्या करेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर करेंगे। ऐसे ये होगा इसका सेंटर और यहाँ पे हम एक रेफरेंस एंगल कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। ये क्या है, इसका सेंटर है पी पॉइंट, ठीक। और यहाँ कहीं एक पॉइंट है जहाँ पे ऑर्बिट ऑब्जेक्ट रखा है एस वन पोजिशन पे। मैंने ये बताया था कि जो आर कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, ये क्या है, इसका रेफरेंस एंगल जिसको हम बोलेंगे थीटा। अगर ये आर कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जो आर कोऑर्डिनेट है ये, इसको हम एक्सपेंड करेंगे रेडियली आउटवर्ड, जिसको हम नाम देंगे आर कैप, ठीक है। अब यहां पर एक और टेंजेंशियली कंपोनेंट एक्ट करेगा जिसको बोलेंगे हम थीटा कैप। तो यहां पे दो सेट ऑफ वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर, एक आर कैप और दूसरा थीटा कैप। इतना तो आपको पता चल गया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो डेरिवेटिव होती है पोजिशन वैक्टर की। मतलब जो वी होता है उसको हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये क्या है, डेरिवेटिव, वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वैक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है हम सेंटर ऑफ ओरिजिन से, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में किस पोजीशन पे है उस दूरी को हम बताते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, फिर मैंने क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी। जो वेलोसिटी थी बच्चों वो आई थी आर डी थीटा बाई डी टी थीटा कैफ। अच्छा, जो वेलोसिटी थी हमारी, ये वेलोसिटी, ठीक, ये किस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी इज टेंजेंशियली इन थीटा डायरेक्शन। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो कैसी थी, टेंजेंशियली इन थीटा डायरेक्शन, ठीक है। अब थीटा क्या है, टेंजेंशियली टू द पॉइंट, यही तो है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है। पहला होता है, यहां पे समझो, जो सर्कुलर मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्पिन मोशन और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन, ठीक। स्पिन मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तो मूव करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, लेकिन जो एक फिक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी इंटरनल एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ठीक है। स्पिन मोशन हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग होता है, COM, मतलब फिक्स्ड इंटरनल एक्सिस के अलोंग, ठीक। अब जैसे एग्जांपल ले लो अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे क्या करती है, स्पिन करती है, लेकिन जो उसका ऑर्बिटल मोशन है, ठीक, वो किसके अलोंग होगा, सन के अलोंग होगा। क्लियर हो गया, ऑर्बिटल मोशन में क्या होता है, ऑर्बिट सर्कुलर मोशन में तो मूव करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, लेकिन एक्सटर्नल एक्सिस के अलोंग करेगा। समझ में आया, इट रोटेट्स अलोंग द एक्सटर्नल एक्सिस। यहां तक समझ में आया, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, यहां तक नोट हुआ। अब यहां पर एक चीज और समझो, मैंने ये बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में होगा, ठीक है, अगर हर पोजीशन पे, जैसे ये S1 पोजीशन थी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहां मान लो S2 पोजीशन होगी, यहां S3 मान लो, ठीक है, ऐसे अप टू SN पोजीशन, इस हर पोजीशन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर होगा, ये R1 ले लो, ये थीटा वन ले लो, जैसे R1 का मैग्नीट्यूड और R2 के मैग्नीट्यूड के बराबर तो होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, लेकिन ये सभी कैसे होंगे, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर हो गया, ये हर पॉइंट पे, अब हर पॉइंट पे पता कैसे करेंगे, हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हो गया, रब कर दिया जाए। बस याद रखना है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जब भी मूव करेगा तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी हमेशा इन थीटा डायरेक्शन होगा। समझ में आया, टेंजेंशियली इन थीटा डायरेक्शन।
अब थीटा देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, मैंने आपको कल बताया था जो थीटा की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन होगी जीरो से और लेस देन होगी टू पाई से। इतना तो क्लियर है। ठीक, इतना रब कर दें। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको कल बताया था कि अगर डी क्यूब आई डी थीटा, दोबारा से लिखते हैं कंडीशंस। ठीक है, डी थीटा वाई डी टी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा। अगर डी थीटा वाई डी टी ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्जेक्ट हमेशा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और जो थीटा होगा वो लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया, लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इट्स थीटा इज इंक्रीजिंग। आई बात समझ में? ठीक, ये पहला केस था। दूसरा केस था डी थीटा वाई डी टी अगर इक्वल्स टू जीरो है। जाहिर सी बात है जब डी थीटा वाई डी टी जीरो है तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लिखेंगे एंगल इज नॉट चेंजिंग, एंगल इज नॉट चेंजिंग हेंस ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। यहां तक समझ में आया? मैं इस साइड वाला रफ कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड वाला केस क्या है? थर्ड वाला केस है कि जो डी थीटा वाई डी टी है अगर ये लेस देन जीरो है तो क्या होगा। अगर डी थीटा वाई डी टी लेस देन जीरो है तो ऑब्जेक्ट हमेशा सर्कुलर मोशन में मूव तो करेगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा थीटा की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट्स थीटा इज चेंजिंग इट्स थीटा इज डिक्रीजिंग। लिखो ये बात समझ में आई यहां तक? ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएं रोटेशन की। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर ट्रैक मैंने बनाया, ये बनाया देखो, ऐसे मैंने सर्कुलर ट्रैक बनाया। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूं, अबव द प्लेन क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं यहां से। ठीक, अब मुझे ये रोटेशन कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब मान लो बिलो द रोटेशन मैं चेक कर रहा हूं, नीचे से चेक कर रहा हूं। अब मुझे ये जो रोटेशन है या जो मूवमेंट है सर्कुलर ऑर्बिट का, ये कैसा दिखाई देगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो मुझे रोटेशन में, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, यहां पे ऐसे समझो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम राइट हैंड थंब रूल से कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे रोटेशन की। तो हमको क्या करना है, हमको अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, और जो अपनी फिंगर है उनको कर्ल करना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, अब वेलोसिटी कैसा है, टेंजेंशियली इन थीटा डायरेक्शन। ठीक, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ है। ठीक, तो हमने अपनी फिंगर को कर्ल किया वेलोसिटी डायरेक्शन में। अब थंब रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड में,
तो आउटसाइड रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे समझो कि जब हम नट वोल्ट को खोलते हैं, खोलने के टाइम नट कैसा आता है, बाहर आता है, तो बाहर क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, हमको क्या करना है, वही राइट हैंड लेना है, अपनी फिंगर को कर्ल करना है, किसमें, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जो थंब है वो किस तरफ जा रहा है, अंदर, इनवर्ट की तरफ, क्लियर हो गया। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है। जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मल टू द रोटेशन होगी। ये लिखो, ये पॉइंट लिखो, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे। एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गया। अब जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियली इन थीटा डायरेक्शन होगी। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ टर्म्स और हैं, वो डिटेल में बाद में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।